ग्लोबल रेनबो हॉस्पिटल का 8वां और मल्होत्रा नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम अपना 62वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। रेनबो अस्पताल मरीजों को उच्चतम एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने के साथ ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता आ रहा है। 1 नवंबर को लेट राय बहादुर डॉक्टर SN मल्होत्रा का जन्म एनिवर्सरी होती है और उन्होंने 62 साल पहले मल्होत्रा नर्सिंग होम आगरा में खोला था, जो कि पहला प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे उत्तर प्रदेश में था। उनकी इतनी दूरदृष्टि थी कि ये हेल्थ केयर प्राइवेट में जाएगा और सरकार इसको नहीं हैंडल कर पाएगी। आज देखा गया 70% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में नहीं, कोई भी हॉस्पिटल में। तो जब मल्होत्रा नर्सिंग होम धीरे धीरे बड़ा हुआ और 75 के बाद सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए हुआ और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुला, तो वहाँ जगह कम की वजह से ये सोचा गया कि थोड़ा एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। और पहले इसकी सपना जो है सिर्फ स्त्री रोग हॉस्पिटल के लिए शुरू हुई थी। ग्लोबल रेनबो हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि वे अपना स्थापना दिवस समारोह भी समाज के साथ साझा कर रहे हैं। ये निर्धारित किया गया है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अस्पताल परिसर में ही आयोजित समारोह में शहर के लोगों को समाज की विभूतियों के नाम समर्पित अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। आज का जो ये आयोजन है, ये रेनबो हॉस्पिटल का फाउंडेशन डे है और 1 नवंबर को हमारे ग्रैंडफादर राय बहादुर डॉक्टर SN मल्होत्रा का जन्मदिन दिवस होता है और इसी दिन को मल्होत्रा जो नर्सिंग होम था वो एस्टैब्लिश हुआ था। और वहाँ से लेके अभी ये जो हमारी जर्नी है रेनबो हॉस्पिटल की, आज ये रेनबो हॉस्पिटल का 8वां फाउंडेशन डे है। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिवस है। अगर आप जाने तो ये जो रेनबो परिवार है ये शुरू हुआ था 119 ईयर्स पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से और मैं एक 5th जनरेशन हूँ डॉक्टर्स की। और आज हम 8 साल रेनबो हॉस्पिटल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रेनबो हॉस्पिटल एक ड्रीम थी जो इस तरह से शुरू करी गई थी हम सब के लिए कि आगरा में ऐसी कोई भी एडवांस टेक्निक की कमी ना हो किसी को भी, क्योंकि पहले क्या होता था इलाज करने के लिए लोग दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, बट नाउ विद रेनबो हॉस्पिटल आपको जो जिस तरह का एडवांस इलाज चाहिए वो सारा यहाँ अवेलेबल है और हम आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे। रेनबो हॉस्पिटल के साथ ही सभी इकाइयों की विगत वर्षों की यात्रा पर अस्पताल का निदेशक मंडल विस्तार से प्रकाश डालेगा और नई जुड़ रही सेवाओं की जानकारियां भी दी जाएंगी। स्थापना दिवस 2019 के अवसर पर ही संस्थान की एक नई इकाई रेनबो मिक्स का लोकार्पण किया जाएगा, जो कि आनुवांशिक रोगों की पहचान कर उनके समाधान को समर्पित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CNews आगरा।